तो दोस्तों आ गया हूँ फिर से साल की इस पहले वीडियो के साथ, जिसमें करने वाला हूँ एक बड़ी कमाल की आटा ब्रेड मेकर का अनबॉक्सिंग रिव्यू टेस्ट, जिसका ब्रांड है अमेरिकन माइक्रोनिक्स। देखें प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सारा कुछ दिखाऊँगा, डेमो करके दिखाऊँगा कैसे यूज करना है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है, सब कुछ वीडियो में कवर होगा। तो वीडियो के स्टार्ट दिन तक देखना फुल इन्फो के लिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ये आपका काम है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ, लेट्स गो। कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है प्रोडक्ट। चलिए बॉक्स का ओवरव्यू, फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अमेरिकन माइक्रोनिक्स की ब्रांडिंग, आटा एंड ब्रेड मेकर, उसके नीचे है मॉडल नंबर, यहाँ पे है ऑटोमेटिकली मेक्स वेराइटी ऑफ ब्रेड, इधर क्विक एंड ईजी, ये हमारे प्रोडक्ट का मेन 3D इमेज, ऊपर यहाँ पे कुछ इमेजेस में कंट्रोल पैनल दिखाया गया है और यहाँ पे है QR कोड। बॉक्स के अदर साइड पे यहाँ पे सेम वही ब्रांडिंग, मॉडल नेम, उसके बाद यहाँ पे नीचे कई सारे मेन फीचर दिए हुए हैं जिसको एक एक करके आपको दिखाता हूँ। मेम्ब्रेन कंट्रोल पैनल, LCD डिस्प्ले एंड मेमोरी फंक्शन, 19 डिजिटल प्रोग्राम्स एंड 15 आर प्रोग्रामेबल डिले टाइमर, 60 मिनट कीप वार्म फंक्शन विद पिक व्यूविंग विंडो, एडजस्टेबल क्रस्ट कंट्रोल लाइट मीडियम एंड डार्क, रिमूवेबल नॉन स्टिक ब्रेड पैन एंड नीडिंग ब्लेड, कूल टच वॉल एंड नॉन स्लिप फीट। चलते हैं बॉक्स के बॉटम पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन। बॉक्स के अदर साइड पे सेम हुई ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की इमेज और इधर कई सारे अलग अलग टाइप के ब्रेड्स आप जो कि बना सकते हैं उसकी इमेजेस दी हुई है। बॉक्स की साइड पे सेम हुई नेम, ब्रांडिंग वगैरह और यहाँ पे कुछ है मेन चीज जिनमें से मॉडल नंबर, कैपेसिटी 1000 ग्राम ब्रेड वेट, इनपुट पावर 550 वाट, उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, MRP वगैरह, यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं। साथ ही साथ नीचे कुछ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन और बार कोड। बॉक्स के टॉप पे वही ब्रांड नेम, आटा एंड ब्रेड मेकर। तो ये तो हो गया सारा कुछ बॉक्स का ओवरव्यू विद फीचर। अभी कर लेते हैं टेप को कट, कर लेते हैं इसे ओपन। तो यहाँ पे बॉक्स चुके हैं ओपन और ओपन करते हैं यहाँ पे किस तरीके से चीजें रखी हुई आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर तो हमें यहाँ पे दिख रहा है यूजर मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे यूज करना है, क्या क्या रेसिपीज हैं, क्या क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो यहाँ पे यूजर मैनुअल बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, इसको देख के मैं इसे यूज करूंगा, तो इसको अच्छे से रखें। नेक्स्ट जो बॉक्स में मिलती है वो है वारंटी कार्ड। तो यहाँ पे वारंटी के बारे में सारी कुछ इन्फो, एक QR कोड भी दिया हुआ है जिससे स्कैन करके आप वारंटी को रजिस्टर कर सकते हैं। इस साइड पे प्रोडक्ट का मॉडल नंबर, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, ये सारी चीजें दी हुई हैं। ओके, इसे भी रखते हैं। और बॉक्स में नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारा मेन डिवाइस, जिसको थर्माकोल से अच्छे से पैक किया गया है। निकाल लेते हैं इसे बाहर। तो ये देखिए इसे अच्छे से प्लास्टिक में पैक किया गया है और जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसकी साइज 1 फीट है, इसकी लेंथ ऊपर से ठीक ठाक बड़ा है। निकाल लेते हैं इसको भी बाहर। और इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है, तो बॉक्स को रखते हैं एक तरफ। चलिए प्लास्टिक को कर देते हैं रिमूव, फिर देखते हैं सारा कुछ प्रोडक्ट कैसा है। ये देखिए ब्रांड न्यू आटा एंड ब्रांड मेकर, कुछ और पैकिंग भी यहाँ पे लगी है। तो इस लीड को भी कुछ इस तरीके से उठा के कर लेते हैं ओपन। अंदर यहाँ पे देखिए कार्डबोर्ड में जो थोड़ी बहुत एक्सेसरी हमें मिली है वो इसके अंदर होगी। लीड के ऊपर देख सकते हैं कितनी अच्छी मेटल की फिनिशिंग दी गई है और एक ग्लास भी लगा हुआ है। ये कुछ कार्डबोर्ड और यहाँ देखिए गियर है हमारे कुछ एक्सेसरी। तो अंदर से मशीन में कुछ इस तरीके से एक कंटेनर लगा है जिसके अंदर हम सारा कुछ ब्रेड मेकिंग का प्रोसेस करेंगे, इसको दिखाऊंगा आगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें इस प्लास्टिक में मिली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मेजरमेंट कप मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं पूरी ग्राफ बनी है, कितनी क्वांटिटी में क्या आपको यूज करना है, नाप के आप यूज कर सकते हैं, क्वालिटी सही है। नेक्स्ट जो चीज मिली है वो है एक स्पून, जिसमें स्पून भी है और स्कूप भी है, दोनों का कॉम्बो है। इस पे भी मेजरमेंट लिखी हुई है दोनों ही सेक्शन पे। उसके बाद ये एक पिन सा हमें मिलता है जिसके जरिए हम ब्रेड को कुक करने के बाद उसे पुल अप कर सकते हैं। और लास्ट में इस पैकेट में जो चीज है वो है हमारे पास ये मेटल का कुछ टूल सा है, की जैसा है, जो कि अंदर लगेगा और यही स्पिन होगा सारा कुछ आटा गुथने वगैरह के लिए। तो टोटल बॉक्स में इतनी सारी चीजें हमें मिली थी। तो चलिए अभी मेन इस डिवाइस का सारा कुछ फिजिकल ओवरव्यू, फीचर्स, फंक्शन सब कुछ दिखा देता हूँ।
ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे मेटल फिनिश दिया हुआ है स्टील सा, जो कि देखने में काफी कूल लग रहा है, प्रीमियम लुक देता है डिवाइस को। और यहाँ पे एक ग्लास लिड लगी है जिससे आप अंदर देख सकते हैं क्या चीज प्रोसेस हो रही है। इधर कुछ वेंटिलेशन ग्रिल लगे हैं जहाँ पे डू नॉट टच का एक वार्निंग भी लगा हुआ है, ये हिस्सा गर्म होगा बेक करते टाइम। आगे की तरफ हमें पूरा कुछ कंट्रोल पैनल मिलता है जहाँ पे टोटल 19 प्रीसेट यहाँ पे रेसिपीज दिए हुए हैं जो कि काफी सारे हैं। इधर बीच में अमेरिकन माइक्रोनिक ब्रांडिंग, आटा मेकर एंड ब्रेड मेकर, उसके नीचे हमारा एक डिस्प्ले जिसके साइड में सारी कुछ क्वांटिटी, ब्रेड का कलर क्या रखना है, अलग अलग फंक्शन जिसपे एक एक करके ये जाएगा, वो सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे है हमारा मेन्यू बटन, उसके बाद है वेट बटन, प्लस एंड माइनस जिसे आप टाइम को घटा बढ़ा सकते हैं, उसके बाद क्रस्ट कलर, और इस वाली बटन से हम इसे स्टार्ट ऑफ या फिर पॉज कर सकते हैं। टॉपलेट को ओपन करने के दोनों ही साइड यहाँ पे ग्रिप के लिए प्लास्टिक अलग से बाहर निकली हुई है जिसे आप होल्ड करके इसे ओपन कर सकते हैं। और अंदर जैसे कि मैंने दिखाया था सब कुछ मेटल से बिल्ड है, काफी प्रीमियम क्वालिटी लगती है। और आपको बता दूं ये जो कंटेनर है इसको आप निकाल सकते हैं, इसको एंटी क्लॉक वाइज बस आपको हल्का सा घुमाना है, पुल कर लेना है, ये बाहर निकल जाता है। इससे इसको क्लीन करने में और इसके अंदर कंटेंट डाल के कुक करने में इजी होगा। बाहर से इसकी कलर कोटिंग है सिल्वर, अंदर से है ब्लैक, और बॉटम में यहाँ पे काफी स्ट्रांग मेटल का जो यहाँ पे मैकेनिज्म लगाया गया है वो स्पिन करता है जिससे कि अंदर आटा गुदता है या फिर बाकी प्रोसेस होते हैं। अंदर सारा कुछ सिस्टम अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक जो रॉड सी देख रहे हैं चारों तरफ वो हीटिंग रॉड है, और उसके नीचे है हमारा मोटर वाला सारा कुछ सिस्टम। ओके नेक्स्ट अभी आपको दिखा देता हूँ ये जो कीसा हमें मिला था वो किस तरीके से लगेगा। तो इजीली यहाँ पे अलाइन करके आप इसको इस बॉक्स में लगा सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से जब स्पिन होगा तो अंदर सारी चीजें मिक्स होंगी, आटा गुथेगा, सारे प्रोसेस होंगे। तो इसको यहाँ पे लगाने का तरीका फिर से आपको दिखा देता हूँ, बस यहाँ पे सेंटर में इसको अलाइन करना है और क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है, ये यहाँ पे हो जाएगा फिट। भी बाहर से सारा कुछ फिजिकल ओवरव्यू करा देता हूँ तो इस साइड से देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है। पीछे के साइड से बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे भी थोड़ी सी ग्रिल सी दिख रही है, अदर साइड भी बिल्कुल सेम प्लेन, आगे से भी कुछ नहीं है। तो सारे कुछ फंक्शन बटन इनपुट ऊपर से ही है टॉप से। बॉटम की तरफ आपको लेके चलूं तो यहाँ पे ढेर सारे वेंटिलेशन ग्रिल और टोटल 4 लेग्स मिलते हैं जिसमें रबर ग्रिपर्स भी लगे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्टिकर पे वही ब्रांडिंग और वोल्टेज वगैरह मेंशन है। फिट की हाइट देख सकते हैं तकरीबन आधा इंच होगी। नेक्स्ट चीज केबल हमारी यहाँ से निकली हुई है जिसकी क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। लेंथ मेरे हिसाब से इसकी होगी 1.2 मीटर, और केबल की थिकनेस आप देख सकते हैं ठीक ठाक क्वालिटी है, प्लग भी काफी स्ट्रांग है 3 पिन वाला। तो चलिए फटाफट अभी इसे करते हैं बोर्ड से कनेक्ट, और उससे पहले आपको दिखा दूं रेसिपीज जो कि यूजर मैनुअल में आपको मिलेगा। हम बनाने वाले हैं वूल आटा ब्रेड 5वें नंबर पे जो कि है प्रीसेट, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कैसे डालनी है, कितने क्वांटिटी में डालनी है, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंशन है, तो वही हम फॉलो करेंगे इसमें ब्रेड बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे जो चूज किया है ऑप्शन वो 750 ग्राम का मैं ब्रेड बनाऊंगा, उसी हिसाब से मैं सारी चीज़ें इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद हम इसमें बनाएंगे अपना ब्रेड। तो अभी से करते हैं ऑन, ऑन करते हैं यहाँ पे एक बीप का साउंड आता है, और ये देखिए अभी नंबर एक प्रीसेट पे सेट है जिस पे टाइम दिखा रहा है 3 आर, और प्लस एंड माइनस से आप टाइमिंग वगैरह बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से। वेट वाले ऑप्शन से आपने कितने ग्राम का ऑप्शन आप बनाने वाले हो ब्रेड के लिए वो आप चूज कर सकते हो। क्रस्ट कलर कौन सा चाहिए आपको, लाइट चाहिए, मीडियम चाहिए, डार्क चाहिए, इस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और मेन्यू आइटम से क्या होगा वो आगे आपको दिखाता हूँ, उससे पहले चलिए कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कंटेनर को निकालते हैं, फर्स्ट यूज से पहले आपको इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, तो यहाँ पे मैंने इसे धो लिया है, अब इसको अच्छे से ड्राई भी कर लेते हैं। ये देखिए इसको वाइप करके मैंने हेयर ड्रायर से अच्छे से सुखा लिया है, अब इसको वापस लगा देते हैं। आप चाहे तो बाहर निकाल के इसके अंदर सारा कंटेंट डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं इसके अंदर ही डालने वाला हूँ सारा कुछ एक एक करके केयरफुली। और अभी इस मेजरमेंट कप से मैं सारा कुछ नाप के एक एक करके सब चीज डालूंगा। सबसे पहले डालते हैं यहाँ पे पानी, मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ 750 ग्राम वाले ब्रेड का रेसिपी। एक चीज यहाँ पे मैं भूल गया, जो की सी मिली है जो कि स्पिन होती है उसको लगाना भूल गया, तो अभी मैंने पानी ही डाला है तो अभी यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये देखिए लग गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ साल्ट 1 स्पून छोटा वाला, उसके बाद अभी हम डालेंगे शुगर चीनी स्कूप से 3 स्कूप, उसके बाद मेरे पास रिफाइंड ऑयल नहीं था तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ देसी घी गरम करके, और देख सकते हैं पानी में डालते ही ये जमना शुरू हो गया है। 2.5 स्कूप हमें यहाँ पे ऑयल डालना है,
अभी हम डालेंगे मैदा, 210 ग्राम डालना हमें, और उसके बाद अभी हम आटा डाल रहे हैं सेम 210 ग्राम। और बिल्कुल लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पे इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, जो कि मैंने इस ब्रांड का परचेज किया है अभी ऑनलाइन ही, तो इसे हम छोटे वाले स्पून से डालेंगे, एक स्पून यीस्ट आपको डालना है वो बिल्कुल लास्ट में टॉप पे डालना है सारे कंटेंट के ऊपर, ये शायद इसका प्रोसेस है। इसके बाद हमें आधा स्पून और डालना है। तो मैनुअल में जो जो चीज़ें दी हुई थी वो सारी कुछ मैंने बिल्कुल उसी तरीके से डाल दी हैं। अभी इसको करते हैं क्लोज और अभी करते हैं इसे फिर से स्टार्ट। और मेन्यू बटन जैसे मैंने कहा था एक एक प्रेस करके आप अलग अलग प्रीसेट पे जा सकते हैं, तो हमें जाना नंबर 5 पे जो कि वूल आटा ब्रेड मेकिंग का है, और यहाँ पे 4 घंटे का टाइम प्रीसेट है। और अभी कर देता हूँ स्टार्ट बटन प्रेस, ये देखिए स्टार्ट हो गया है सारा कुछ प्रोसेस, और टाइमर ये चलता रहेगा 4 घंटे तक। सबसे पहले यहाँ पे ये जो इंडिकेट कर रहा है वो है हीट, मतलब कि हीट जनरेट हो रही है मशीन के अंदर, और यहाँ पे देखिए आप स्मोक निकल रहा है इस ग्रिल से। तो 5 मिनट हीट होने के बाद अभी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे आटा गूंथना। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए आटा अपने आप गूंथ रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक गोल आकार ये ले रहा है हमारा आटा। 10 मिनट हो गए हैं, स्पीड इसकी थोड़ी बढ़ गई है और अच्छा खासा वाइब्रेशन भी हो रहा है, जिससे कि मशीन और टेबल थोड़ा सा हिल रहा है, क्योंकि मेरा टेबल ज़्यादा स्टेबल नहीं है, देख सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे मूड हो गया है चेंज, अभी ये आ गया है रेस्ट वाले मूड पे, तो ऑटोमेटिक ये अलग अलग मूड पे आता है और चेंज होता है। अभी फिर से यहाँ पे आटा गूंथने लगा, उसके बाद फिर से ये रेस्ट पे जाएगा, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मशीन में प्रीसेट हैं। और अभी आ गया है ये नेक्स्ट मूड फर्मेंट पे, मतलब कि इसके अंदर अभी उबाल होना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए भाप दिखाई दे रहे हैं इस ग्लास पे। तो ये सारे कुछ प्रोसेस हैं जो कि हमारे ब्रेड को बनाते हैं। ओपन करके देखते हैं तो ये देखिए आटा और सारे कुछ मिक्सचर कितने अच्छे शेप में गोल बन गए हैं, और कंटेनर क्लीन भी हो गया है। 4 से 5 घंटे मैंने पूरा कुछ मॉनिटर किया है सारे प्रोसेस, और तुरंत का तुरंत आप देख रहे हैं अभी हम आ गए हैं 30 मिनट जो कि बाकी है, और अभी ये आ गया है मूड चेंज होके बेक मूड पे। तो अभी हमारा ब्रेड हो रहा है बेक, ब्राउन सा टेक्सचर आने लगा है, और जो मशीन की बॉडी है काफी हीट हो गई। ओपन करके देखते हैं, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बेक हो गया, ऊपर तक आ गया हमारा पूरा कुछ मिक्सचर, लग रहा है कि हाँ ब्रेड है। 22 मिनट तक पहुंच गए हैं और ये देखिए अभी और ज्यादा ब्राउन हो गया है, वाह। और अभी जस्ट ये हो गया कंप्लीट हमारा बेकिंग, और मूव होके आ गया है ये कीप वार्म वाले मूड पे, मतलब कि ये 1 घंटे तक कीप वार्म पे रहेगा। आप चाहें तो मशीन को बंद कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बंद करके इसको करूँगा चेक कि हमारा बेड हो गया है कंप्लीट परफेक्टली या नहीं। कर देते हैं यहाँ पे स्टॉप, थोड़ी देर आपको इसको प्रेस करके रखना है, ये हो जाएगा बंद। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ब्राउन स्मूथ ब्रेड अंदर बन के रेडी है। टच करने पे जो इसके ऊपर का टेक्सचर है वो थोड़ा सॉफ्ट और क्रंची सा फील हो रहा है, और एंटी क्लॉक वाइज करके इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। और जैसे कि मैंने कस्ट कलर यहाँ पे चूज किया था मीडियम, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, ये देखिए गर्मा गर्म ब्रेड रेडी है। आपको बता दूँ रात के 4 बज रहे हैं, इसको बनाते बनाते इतना टाइम हो गया है। इसको करते हैं बंद, और अभी आपके सामने पहली बार मैंने किसी मशीन में इस तरीके से ब्रेड बनाया, और फर्स्ट ही इतना अच्छे तरीके से हमारा ब्रेड बन गया है। मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, खुश हूँ इस मशीन से। चलिए इसे निकाल लेते हैं बाहर, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये कंटेनर, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा देखने के लिए। ये देखो कितना गर्म, आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है पूरा, और कहीं से जला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड यहाँ पे बना है। और स्मेल जैसे कि बेकिंग स्टोर में आप कभी जाते हो वही स्मेल आ रही है। टच करने पे बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ स्पंजी लग रहा है। थम्स अप। जिस कंटेनर में हमने ब्रेड बनाया वो देखिए कितने अच्छे से क्लीन है, कुछ भी चिपका या फिर जला नहीं है। तो ये देखिए ब्रेड देखने में आपको छोटा लग रहा होगा कैमरे में, पर ये काफी बड़ा ब्रेड बना है 750 ग्राम का, और हाथ में लेने पे हैवी है, और ये स्पंजी है तो इसकी आवाज भी आप फील कर पा रहे होंगे। और आपको पता नहीं चलता कितना खुश हूँ फर्स्ट टाइम एक इतना परफेक्ट ब्रेड बना के। तो चलिए इसे करते हैं कट। आपको बता दूं मेरे पास कोई फैंसी यहाँ पे ब्रेड कट करने वाली नाइफ नहीं थी, जो रेगुलर घर पे नाइफ होती है उसी से मैं कट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और शायद स्लाइस भी अच्छे से ना हो, पर मुझे इसको कट करके देखना है अंदर का टेक्सचर कैसा है। तो फाइनली किसी तरीके से मैंने एक स्लाइस यहाँ पे कट किया है। बीच में होल जो देख रहे हैं वो उसी की वाले टूल जो स्पिन करता है उससे बना है। बाकी ब्रेड का टेक्सचर बिल्कुल असली ब्रेड की तरह जो मार्केट में परचेज करते हैं वैसा ही है। कर दें एक और स्लाइस। ओके, ये हमारा दूसरा स्लाइस भी निकल गया है। होल अभी भी रिमेन है, थोड़ा सा ये वाले स्लाइस के बाद हो जाएगा खत्म। अब यहाँ पे मैंने कट कर दिया टॉप वाला पोर्शन, जैसे लग रहा पाव है। तो इसको बनाते बनाते इसकी बेकिंग की स्मेल सूंघते सूंघते यार सच में मुझे मन कर रहा है, भूख लग गई है, इस गर्मा गर्म ब्रेड को खा ही लेता हूँ। सॉफ्टनेस देख सकते हैं कितनी है, पूरा का पूरा एक ब्रेड मैंने लगभग यहाँ पे खा लिया। अभी आप जो देख रहे हैं नेक्स्ट डे मैंने इसे ठंडा होने दिया पूरी रात, और सुबह मैंने इसको अच्छे से स्लाइस किया है, और अभी आप कह ही नहीं सकते कि ये होममेड ब्रेड है। जैसे लग रहा है बाजार से परचेज करके ला रहा हूँ ब्रिटानिया का आटा ब्रेड। अगर मेरे पास ब्रेड कट करने वाली नाइफ होती तो और अच्छे से स्लाइस यहाँ पे कट होता। अब दोस्तों मैं इस मशीन या फिर इस ब्रेड मेकर के बारे में क्या कहूँ, इन द एंड यही कहूंगा कि प्रोडक्ट जबरदस्त है, प्राइस टू परफॉर्मेंस अमेजिंग है। कमियों अच्छाइयों की बात करूँ जैसे कि मैं सारे प्रोडक्ट में करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अभी तक कोई कमी खास इसमें नोटिस नहीं की है। शायद फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो आपको कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके दिखा दूंगा, बता दूंगा, या फिर कोई वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी इसमें कोई भी कमी मैंने नोटिस नहीं की है। ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर फर्स्ट टाइम इस डिवाइस से आप कोई भी अपना फर्स्ट लाइफ का ब्रेड बनाते हो खुद से, तो आपके चेहरे पे खुशी की स्माइल जरूर आएगी। मेरे तरफ से प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड है, परचेज करो और बनाओ ब्रेड अपने घर पे। दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस अमेरिकन माइक्रोनिक्स की तरफ से आने वाले आटा ब्रेड मेकर का। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा, शायद वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी कमाल के आने वाले वीडियोस के लिए। और हाँ, स्टिल आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन फ्री ही है। एक चीज़ और, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट या फिर कोई भी आटा ब्रेड मेकर है तो उसका एक्सपीरियंस आप नीचे कमेंट में लिख के जरूर से बताना। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हैं, लाइव चैट करना चाहते हैं, कोई पर्सनल मैसेज है तो इधर आईडी शो रही है, जाके फॉलो कर लेना, मैसेज करना, मैं रिप्लाई करूंगा। तो बस ये था सारा कुछ आपको दिखाना बताना, चलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपको रखना मन ख्याल, सी यू अगेन, बाय बाय।